लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर पहुंचे चौक थाने। लंबित पड़ी विवेचनाओं को लेकर विवेचकों से जानकारी लेने पहुंचे कमिश्नर डीके ठाकुर। तमाम विवेचकों के डीके ठाकुर ने कसे पेंच। डीके ठाकुर ने चौक कोतवाली के कार्य की सराहना की। वही ठाकुरगंज थाने, वजीर मनज थाने और चौक थाने की लंबित विवेचनाओं एक महीने के अंदर लंबित पड़ी विवेचनाओं को जल्द खत्म करने की भी बात की। वकार हुसैन की रिपोर्ट। तीन थानों की समीक्षा थी, चौक, ठाकुरगंज, वजीरगंज। इसमें चौक के विवेचनाओं का निस्तारण सबसे अच्छा पाया गया, काफ़ी अच्छा कार्य किया इन्होंने, काफ़ी कंट्रोल में है। ठाकुरगंज वजीरगंज में कुछ ज़्यादा मात्रा में विवेचनाएँ पेंडिंग हैं, उनको कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं अगले एक महीने के अंदर स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी। संख्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी विवेचना कितने ज़्यादा समय से लंबित है। अलग अलग तरह की विवेचनाएँ थी कि सिंपल मारपीट की होती है, कुछ धोखाधड़ी की होती है, कुछ आम सेट, सबका अलग अलग टाइम है। सर, नया साल शुरू हो गया, क्या लगता है कानून व्यवस्था में किस चीज़ की सुधार की जरूरत है और क्या कुछ नए साल के ऊपर देखने को मिलेगा? कानून व्यवस्था में जिस सुधार की अपेक्षा है हम लोग ऑलरेडी प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले वर्ष भी कमिश्नर ने अच्छा कार्य किया है, इसमें और उत्तरोत्तर हम लोग प्रगति करेंगे, सुधार करेंगे। और हमारी चुनौती तमाम चुनौतियाँ हैं, साइबर क्राइम चुनौतियाँ हैं, खास करके जैसे सोशल मीडिया चुनौती है। हम अपनी इन चुनौतियों से पार पाने के लिए पुलिस को तैयार कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है, उसमें आप देखेंगे महिला हेल्प डेस्क है, पिंक बूथ है, पिंक पेट्रोल है, पिंक स्कूटी है, सब प्रकार चल रहा है।